चित्रकूट में आज मासूम बच्चे के शव को रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। एमपीआरडीसी के ठेकेदार द्वारा खेतों में मिट्टी निकाल कर खंती बना दी गई और फिर गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। कई बार सूचना देने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे, जिसके चलते दो मासूम बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला नयागांव थाना क्षेत्र के हनुमान थारा बाईपास का है। जाम की वजह से सैकड़ों वाहन फंस गए, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मट्टी नहीं देगी, कहे मट्टी दे दो, हम सार के उठा दे, हम तुम्हारे खेत में उड़ा दें, तो हम कहाँ ले जाए। इसके बाद ये शासन मट्टी ठेकेदार लेके चला गया, इसके बाद वो उड़ाया नहीं, गड्ढा हाल का हाल वहाँ बन गया बीच खेत, और फिर वो दिखाई नहीं दिया। आज के घरेल थाने आए, थाने से सुनाए कि शासन मट्टी खोद ले गया, इसकी शासन ने ना सुनी, पुलिस ने ना सुनी, एक भी ना सुनी, वहाँ से नहीं आ चले आए। पुलिस ये कहा कि चला जाए यहाँ से, नहीं तेरे को उसमें रोड में हमारी जमीन है, उसके बगल में मशीन वाले ने नाला काट दिया है, नाले में पानी भर गया, उसने बम्बी नहीं लगाया है, उनमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया, हमारे बच्चे गए हैं उसमें डूब गए हैं। एक लड़की है 9 साल की, लड़का है, लड़की है 9 साल की, लड़का है 11 साल। तो कैसे खत्म हो गए हैं? डूब गए पानी में, हम लोग नहीं थे, उसकी माँ ने छुपी के गई, उसको निकाला, फिर मेरा लड़का गया बड़ा वाला, उसने निकाला, वो भी गारा में धंधे जा रहे थे। उसके बाद हमें चाहते थे कि हम प्रशासन, हमको न्याय चाहिए, वहाँ हमारी नाला खुलवा दे, उसको हम खुलवाई करवा दे, हमारे आज हमारे बच्चे चले गए, किसी और को चले जाएंगे, उसका क्या होगा? आप तो हमारे गए हैं, अब आगे चल के क्या होगा? मैं नयागांव हल्के में हनुमान धारा में एक व्यक्ति हैं पप्पू वर्मा करके, उनके एक बच्चा और एक बच्ची की कल पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो उन लोगों को कल ही जब मुझे इस बात की सूचना मिली, तो कल ही मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें आरबीसी 6-4 के तहत जो शासन की नीति है उसके तहत हम उनको शासन द्वारा आधारित मुआवजा उनको प्रदान कराएंगे। और आज इसी को लेकर के पीड़ित पक्ष ने आज यहाँ पे धरना दिया और सड़क जाम करने का प्रयास किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनको समझा बुझा दिया गया, उन्हें बता दिया गया कि उन्हें 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मृत्यु सहायता दी जाएगी।